आई दिवाले, आई दिवाली आई दिवाली, ओ दीपक सी निष्ठा सी करना रखवाली, दीपक सी निष्ठा सी करना रखवाली, देखो आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली। धन साधन सभी लोग लक्ष्मी से पाएंगे, सद विवेक संतुलन गणपति सिखलाएंगे, धन का हो सदुपयोग पहले खुशहाली, पहले खुशहाली, देखो आए दिवाली आए दिवाली आए दिवाली। ओ दीपक सी निष्ठा सी करना रखवाली, दीपक सी निष्ठा सी करना रखवाली, देखो आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली आई। किताब रख करके थोड़ा हाथ जरा ऊपर करके बजाई तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली, ओ दीपक सी निष्ठा सी करना रखवाली, दीपक सी निष्ठा सी करना रखवाली, देखो आई दिवाली 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 आई दिवाली। होली का आया त्योहार, बाहर लिए संग में होली का आया त्योहार, होली का आया त्योहार, बाहर लिए संग में मस्ती का हुआ संचार, संचार रग रग में नान कोई पराया, जो भी मिला वो गले से लगाया, समता का आया उपहार, हर जन जन में होली का आया त्योहार, संग में कोई गरीब है न कोई अमीर है, ना कोई सेठ है ना कोई फकीर है, सब में उमड़ता है प्यार, प्यार हर दिल में सब में उमड़ता है प्यार, प्यार हर दिल में। होली का आया त्योहार, त्योहार रंग रंग में, होली का आया त्योहार, बाहर में संग में, होली का आया त्योहार। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की। हमने बहुत खास जो है इसका ये लगभग आप डेढ़ लाख सब हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। एक और सरकार
अब हम लोग खड़े होके कीर्तन करेंगे जरा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। This afternoon we'll be talking about the Grahasth Ektapavat, and a lot of people don't think that Grahasth can also be yoga. Grahasth is a yoga sadhana. How to perform that yoga sadhana, I'll speak about that. But before that we have a song by Omkar ji, Pushkar ji, Bharat ki parivar vyavastha ही नर रत्नों की खान है। कौन सा आइए आइए इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पड़े गए, अध्यायों के अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। बहुत सुंदर गीत है, आप देखो, इट इज ए टीचिंग इन इटसेल्फ। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था की रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था की रत्नों की खान है। खान में ध्रुव निकले थे, माने उन्हें संवारा था। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माने उन्हें संवारा था। इस हीरे को नारद जी ने फोड़ा और निखारा था। इस हीरे को नारद जी ने फोड़ा और निखारा था। तप की चमक लिए जा बैठा परम पिता की गोद में, परम पिता की गोद में। कितनों का बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में, है आमोद प्रमोद में। नभ में ध्रुव परिवार कीर्ति का, नभ में ध्रुव परिवार कीर्ति का
शाश्वत अमर निशान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। किसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। इसी खान के रत्नों के इतिहास चाव से पढ़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। अध्यायों की अंगूठियों में यही नगीने जड़े गए। सजे हुए हैं यही रत्न तो जनमंगल के थाल में। जनमंगल के थाल में दमक रहे हैं ये हीरे ही मानवता के भाल में। मानवता के भाल में इसी खान के रत्नों की तो, इसी खान के रत्नों की तो सदा निराली शान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नव निर्माण को। ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नव निर्माण को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। जहाँ देव परिवार मिल सके धरती के इंसान को। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को। घर घर कलह मिटाने को। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को। राष्ट्र धर्म अपनाने को। ओ परिवार जहाँ नंदन वन। ओ परिवार जहाँ नंदन वन वह भू स्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। जाना था वनवास राम को लक्ष्मण सीता साथ गए। जाना था वनवास राम को लक्ष्मण सीता साथ गए। कीर्तिमान स्थापित सेवा स्नेह त्याग के किए नए। कीर्तिमान स्थापित सेवा स्नेह त्याग के किए नए। सौतेली माँ का मुख उज्ज्वल किया सुमित्रा माता ने। किया सुमित्रा माता ने। था सौहार्द सगे भाई से ज्यादा भाता भ्राता में। ज्यादा भाता भ्राता में वह संस्कारित परिवारों का। वह संस्कारित परिवारों का ही अनुपम अनुदान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे। इतने रत्न दिए हैं कैसे जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान।
भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की मान है। भारत की परिवार व्यवस्था रत्नों की मान है। भाइयों बहनों, अभी अभी आपने जो गीत सुना, राइट नाउ द सॉन्ग विच यू हर्ड इज बेस्ड ऑन द थीम गृहस्थ एक योग। मेनी पीपल थिंक दैट ओनली द योग विच वी डू इन द मॉर्निंग विच मितेश टोल्ड अस और निमित टोल्ड अस और प्रज्ञा योग बींग डन बाय इज टोल्ड बाय गुरुदेव, दिस इज ओनली योग। टू बी हैप्पी हैप्पीली मैरिड इज ऑल्सो योग, दिस इज वॉट इज गुरुदेव सेज। गृहस्थ एक योग साधना। कैन आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? कैन यू टेल मी? जस्ट नीचे नीचे कर, लोअर डाउन। कैन यू टेल मी? Can you tell me how many of you are not married? Oh, not a single unmarried, means not unwanted is not here. Okay. Do we have the group 4 also here, youth who are married? Yes. Group. Good. Not many, but few. Okay. Yes, I saw you. We'll recite Gayatri Mantra. And Gayatri Mantra, with the feeling that this afternoon we are just closing the various sessions, the intellectual sessions. We have been talking on the various aspects of the life, why to be a sadhak, how to understand the Gurudev's main theme, apne angavyavon se, and all those various things which you studied. You shared your knowledge with various saints from Shanti Kunj. They are very intelligent, very talented, like Kali Charanji, like Dr. Gopi Sharma Ji, Vishwaprakash Ji. They spoke to you about their reminiscences, their memories with Gurudev, Parampari Gurudev, Paramanya Mataji. I have been coming to you off and on, but they are very regular with you, so you must have got whatever you wanted. And perhaps this camp is a grand success. Till now, what I feel is a grand success. This is the longest ever stay of mine in a camp. Main itne din camp mein kahin nahi ruka. Main 4 din ruka hu, main 5 din ruka, par 7 din kahin nahi ruka. This is going to be 7 days camp for me, just like Navratri Sadhana for Shakti Kunj, Nodhika camp. So it's a teaching for me also. And we share our knowledge with you, and you share your knowledge with us, and your experiences with Gurudev Mataji, your experiences with your own atmosphere surrounding you. That is all very important. We learn a lot through these camps. We people learn a lot through you, and you people also learn a lot through us. So all these things, they matter a lot for the learning, for the ascent of any mission, the ascent of any organization. Gayatri Mantra, ek saath mein lagega. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Naha प्रचोदया। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे मातृवत् नारी च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायिता च श्रद्धा प्रज्ञायिता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे यूएस कनाडा के सभी हमारे परिजनों हमारे साथ 5-6-7 दिन से रह रहे कार्तिक परिवार के कार्यकर्ता भाइयों बहनों अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे संगठन के कार्यों को अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे सभी भाइयों बहनों, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्त्री को महत्व दिया है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो और चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव हो और चाहे वो ऋषिगण, जितने भी ऋषि हैं सारे हमको मेरिट मिलते हैं, विवाहित मिलते हैं। और उनमें हो सकता है कि कुछ ऋषियों ने, श्रृंगी ऋषि ने अंतिम में जाकर ब्रह्म विवाह करके और उसके बाद विवाह करने के बाद अपनी पत्नी से पूछा और पत्नी से पूछने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया लास्ट स्टेज में जाके। आज भी हमारी यहाँ परंपरा है कि अगर कोई गुणों की खान वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण व्यक्ति जब अंतिम समय में जाता है तो उसको जाते समय वह संन्यास दिला देते हैं 2 घंटे के अंदर, डेथ बेड पर है संन्यास दिला करके 2 घंटे के अंदर सब कुछ कर्मकांड करा करके उसको फिर छोड़ देते हैं कि कम से कम 4 आश्रम इसने पूरे कर लिए। आप लोग सब वानप्रस्थ के स्टेज में आ गए, यू आर ऑल इन दैट स्टेज ऑफ 3rd category इन विच यू पीपल आर रेडी टू लीव योर गार्ड। अब मैंने तो आप लोगों का गार्ड पहन लिया, अब आप मेरा गार्ड पहन लो, यू आर माय गार्ड। ये लो क्लोथ्स पहन करके प्रचार करने के लिए आप लोग जाते हो और आप लोग जाते हो तो आप लोग बातें करते हो, दोनों समझाते हो, सारी बात बताते हो, तो डेफिनेटली दैट हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल। बट द फैक्ट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड दैट द वीमन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज 1+1=11 नॉट 2, 1 कैप्ट ऑन 1 साइड ऑफ द 1=11। जब 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं तो जोड़ा बहुत बढ़िया बन जाता है, और जब 1 में से 1 निकल जाता है तो क्या होता है, 1-1=0। मिसमैचिंग जहाँ होती है वहाँ 1-1=0 हो जाता है। तो ऐसी मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए, मैचिंग ऐसी हो तो हमारे यहाँ मैचिंग किया करते थे लोग, पर मैचिंग होने के बाद जब शादी होती थी गृहस्थ जीवन जो जीते थे तो सारे, चाहे ऋषि मुनि हो और चाहे वो विभिन्न प्रकार के महापुरुष हों, उन सब ने उसको महत्व दिया। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं डॉक्टर साहब, विवेकानंद ने शादी नहीं की। हाँ तो विवेकानंद ने नहीं की, विवेकानंद को उदाहरण देते हो, रामकृष्ण परमहंस का नहीं देते, जिन्होंने विवाह किया पर अपनी पत्नी को माँ के समान पूजा, उनसे शक्ति प्राप्त की एंड ही परफॉर्म मेनी साधना, शक्ति साधना ऑन हर एंड थ्रू हर ही लर्न अ लॉट एंड थ्रू हर ओनली ही गॉट अ लॉट ऑफ पावर्स। ही यूज टू से माँ शारदा नहीं होती तो मैं रामकृष्ण परमहंस नहीं बन पाता। सो ये जो साधना है, ये साधना में परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। परिवार में आप बहुत बड़े बड़े लेसन सीखते हैं, परिवार में प्यार को बांटने का नियम सीखते हैं, यू लर्न हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट लव एंड अफेक्शन। वैसे क्या होता है, हमारा दायरा संकीर्ण होता है, जब आदमी अकेला होता है तो ही अर्न्स फॉर हिमसेल्फ, ही वॉट एवर ही डज इट फॉर हिमसेल्फ, बट वेन यू हैव अ फैमिली यू हैव योर वाइफ, यू शेयर इट विथ योर वाइफ, वेरी सून your son or child, daughter comes, you share with your son and daughter, both of you. And both of you love and affection, the sphere of the love and affection increases. Pardhi badhti chal jati. Do bachche aage, dono bachche mein badh gaya, thoda 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 thoda. Gradually the circumference starts enlarging to the a larger family ban jati puri. Wo larger family kaun si hoti hai, ecosystem. Your trees around you, your shopkeeper, your dhobi, योर काम वाली, मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, योर काम वाला, योर सर्वेंट, योर असिस्टेंट्स, योर हेल्पर्स, योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वाइफ्स, देयर रिलेटिव्स, ऑल बिकम एंटेंडिंग इफ यू आर ए मेंबर ऑफ कार्तिक परिवार द होल फैमिली। सो यू स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन यू बिकम मल्टीपल।
भगवान ने कहा एको हम बहुस्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊँ, तो आप एक से बहुत हो जाते हैं. एंड वंस यू स्टार्ट बिकमिंग एको हम बहुस्यामी, देन यू स्टार्ट लिबरेटिंग यूर इमोशंस एंड कंपेशन एंड अफेक्शन एंड लव टू मेनी पीपल, टू मेनी. दिस इज योग साधना. गृहस्थ एक योग है. योग मतलब एक और एक मिलकर दो जुड़ जाना. तो पति और पत्नी मिलकर के दो हो गए तो कौन सा भाई गृहस्थ योग गलत नहीं कहा गुरुदेव ने, सही कहा ना गुरुदेव ने. किताब लिखी है देखिए, गृहस्थ एक योग साधना. योग साधना गुरुदेव कहते हैं गृहस्थ एक योग है, इसमें एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं. जैसे एक जैसे दो चीजें मिलकर एक 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 और एक मिलकर दो हो जाते हैं, जैसे पति पत्नी मिलकर के दोनों मिलकर के दो हो जाते हैं. दो भी नहीं होते, एक हो जाते हैं. गुरुदेव कहते हैं एक हो जाते हैं, एकत्व अद्वैत. और ये सिद्धि का समाधि का मार्ग भी यही है. अगर जाना है ये दिस इज द राइट वे. भगवान मनु ने कहा है, मनु का कथन है कि मनुष्य अपनी पत्नी और संतान को मिला करके ही मनुष्य पूर्ण बनता है. पत्नी और संतान, मनु संहिता आचार संहिता मनु ने लिखी है. पत्नी और संतान दोनों जब मिलते हैं तब मनुष्य पूर्ण कहलाता है, परफेक्ट. एंड आवर एम इज अवर टारगेट इज पूर्णत्व, पूर्णत्व की प्राप्ति. जब तक ये सब नहीं होता तब तक वो अधकचरा है, खंडित है, अधूरा है. पूर्णता को प्राप्त करना है, इफ यू वॉन्ट टू अचीव परफेक्शन यू मस्ट ट्राई टू बी ए कंपेनियन टू समवन. विथ कंपेनियन यू शेयर योर फीलिंग्स, विथ कंपेनियन यू शेयर योर ऑल नॉलेज. किसी से तो कहने का मौका मिले, कोई तो हो जहां हम जाके अपनी बात कह सकें, नहीं तो क्या होगा, किससे कहेंगे बताइए, किससे कहेंगे. टू होम विल यू से, टू द गर्ल हु वर्क्स इन माई ऑफिस, उससे कहेंगे आप जाके, कोई फायदा नहीं. वो आपको यूज़ करेगी और दुनिया भर के काम कराएगी आपसे, और दुनिया भर के काम कराने के बाद आपको धोखा देके चली जाएगी, भाग जाएगी. मैनी मैनी फैमिलीज आर गेटिंग डिस्टर्ब, मैनी मैनी फैमिलीज. दिस इज द 21st सेंचुरीज नेम एक्चुअली, कंट्रीब्यूशन ऑफ 21st सेंचुरी, दैट वी आर गेटिंग ब्रोकन एंड ब्रोकन फैमिलीज फॉर ओनली वन रीजन, दैट वी डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन बाय इंडियन कल्चर. इफ यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय इंडियन कल्चर देन वी विल नेवर फॉल प्रे टू दीज टाइप्स ऑफ फिनोमिना इन विच देर इज टोटली ए डिरेंज्ड फैमिली सिस्टम. फैमिली सिस्टम जब तक व्यवस्थित नहीं होगा तो तब तक हम योग नहीं साध सकते. तो सारे योग एक तरफ, प्रज्ञा योग, ध्यान योग, जप योग, दुनिया भर के योग एक तरफ और गृहस्थ योग एक तरफ. फॉर मी आई गिव फुल क्रेडिट टू माई मैरिज द क्रेडिट गोज टू जीजी, क्रेडिट गोज टू माई लाइफ पार्टनर हु मेड मी परफेक्ट. I was incomplete without her. And you do not calculate anybody by the features or by the color. Or मेरी जब शादी हुई तो I was only 20 and a half. मैं 20 मतलब तो legally I was not in the marital age also. And गुरुदेव said भाई मुझे हिमालय जाना है, तुझे शादी करनी है, तुमको शादी करनी है. तो I kept on saying, मतलब for 2 months I kept on refusing. You see, I had accepted him as Gurudev. My father told me, it is up to your wish. I won't interfere. My father was a judge in Gwalior. Gwalior and Mathura are very close, about more less than 200 kilometers. So we used to go very often to Mathura. So Papa said, my father said, that Gurudev is insisting that you get married to his daughter. I mean, dekha bhi nahi hai. Dusri baat ye ki mere ko shaadi bhi nahi karni hai. I had to do my MBBS and my MD in medicine. और मुझे पूरा करने के लिए मुझे कम से कम 7 साल का टाइम चाहिए. पापा से फादर से मैंने पूछा, व्हाट टाइम डिड यू गेट मैरिड, व्हेन यू वर, हाउ ओल्ड वर यू. पापा बोले 27 इयर्स. मैंने कहा मुझे क्यों 7 साल पहले धकेल रहे थे इस आर्मी में. बोले गुरुदेव इज सेइंग, मैंने गुरुदेव इज सेइंग, लेट हिम से. व्हेन आई वेंट टू फेस गुरुदेव वन बाय वन, देयर वाज नोबडी अराउंड मी टू प्रोटेक्ट मी. दैट टाइम गुरुदेव स्टार्टेड फायरिंग मी, यू नो you are born for a special purpose. You and Shelo, both of you will work a lot and you will, both of you will build a Gayatri Parivar. Gayatri Parivar ko aage chalana hai mujhe, usko kaun chalayega. Maine kaha there are many boys in my knowledge mein hai. I will see to it that your daughter gets a good match.
दिस वॉज वॉट माई आंसर. बोले वो गुरुजी ने कहा ओके ओके यू सेंड दोज नेम्स टू मी बट यू टेल अबाउट व्हाट अबाउट यू, यू टेल मी व्हाट अबाउट यू. मेरे आस पास घेराबंदी हुई लीलापत जी.